नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ आप सभी से वो है कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। जी हाँ, जन्माष्टमी के कुछ खास उपाय मैं आज बताऊँगी आपको। ये सीरीज़ मैं बनाने जा रही हूँ और भी बहुत सारे उपाय लेकर जन्माष्टमी वाले दिन क्या करें ना करें, किस चीज़ के लिए कौन सा उपाय करना है, ये सारा मैं आपसे डिस्कस करूँगी। लेकिन आज मैं जन्माष्टमी वाले दिन ऐसे कौन सी उपाय करें कि घर पर आपका सुख समृद्धि धन धान्य से भरा हो आपका घर। अगर धन से रिलेटेड किसी तरह की समस्या चल रही है तो यकीन मानिए ये जो कृष्ण जन्माष्टमी जो कि 6 और 7 तारीख को है, इस दिन अगर इस उपाय को आप कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी से जितने भी कलेश हैं, बाधाएँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो कि पैसों से रिलेटेड किसी तरह के इशूज़ हैं, तो वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। जी हाँ, आपको पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं कि जो भी उपाय मैं बताती हूँ ये करने के बाद आपको जो रिज़ल्ट 3 महीने के अंदर मिलेगी, आप मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर जनाएंगे कि आपके साथ आपने उपाय किए उसके बाद आपको उसका क्या फल मिला, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका प्यार मुझे मिल रहा है, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, काफ़ी सारे कॉल्स आ रहे हैं कि मैम आप लाइव क्यों नहीं जा रही हैं, टैरो रीडिंग करती हूँ मैं तो लाइव क्यों नहीं आ रही है। तो मैं ये बता दूँ कि बहुत ज़्यादा बिजी थी, मैं कोशिश करूँगी कि लाइव आने के लिए कल या परसों में मैं आपको नोटिफिकेशन ज़रूर भेज दूँगी। और चलिए आज तो फिर स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीज़ आपको करनी चाहिए और क्या क्या नहीं करनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये बता दूँ, आप लोग नोट डाउन करके रखें क्योंकि जो भी चीज़ें उपाय मैं बताती हूँ कहीं आपसे कोई मिस्टेक ना हो, या इस चीज़ को आप बार बार सुन सकते हैं, रिकॉर्डेड करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों तक ये चीज़ पहुँचाएं जिनको सच में धन की समस्या है और वो इन उपायों को करके अपने धन की समस्या से बाहर निकल सकते हैं, तो इससे ज़्यादा खुशी मुझे कहीं नहीं मिलेगी, विश्वास करिए। क्योंकि ये जो आशीर्वाद है ना, ये जो पुण्य है जो लोगों से मिलता है मुझे, यही चीज़ें हैं जो मेरी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देती है। और आप सभी का प्यार है जो मुझे बहुत जल्दी अगर मैं बीमार पड़ती हूँ तो स्वस्थ कर देती है, और आप सबके साथ हमेशा मैं जुड़ना चाहती हूँ। तो आज जो चीज़ें मैं बताऊंगी, पहली चीज़ तो ये कि अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कर्ज आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, कर्ज़ा उतर ही नहीं रहा है, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी पैसा अरेंज नहीं कर पा रहे, या फिर एक कर्ज को देने के लिए दूसरा कर्ज आपको लेना पड़ जा रहा है, तो आपको क्या करना है, जटा वाला नारियल आपको खरीद के लेकर आना है, और आपको जटा वाला नारियल खरीद के ला के एक मौली सोते से उस नारियल को बांधना है, एक चुनरी ऊपर से लपेटनी है, लेकिन उसके पहले आपको उस नारियल में स्वस्तिक बनाना है, अनामिका उंगली से 4 बिंदु ज़रूर देना है। स्वस्तिक बनाने का सही तरीका यूट्यूब में ट्यूटोरियल में बहुत सारा आपको मिल जाएगा, और मैं खुद भी कभी एक कोशिश करूँगी इसको बनाने का। तो स्वस्तिक बनाना है आपकी मनोकामना बोलते हुए, उसमें चुनरी लपेटी, और किसी भी कृष्ण मंदिर में जाके, राधा कृष्ण का मंदिर हो तो बहुत अच्छी बात है, जाकर वहाँ पर दान करके चले आए, आप देखेंगे आपका कर्जा जो है वो बहुत जल्दी उतरना शुरू हो गया है। दूसरा उपाय, अगर आपके घर पर दक्षिणावृति शंख है तो अति उत्तम, नहीं है तो ज़रूर घर लेकर आए, कम से कम जन्माष्टमी वाले दिन दक्षिणावृति शंख के अंदर समुद्र का जल अगर आपके घर पर है तो वाह क्या ही कहूँ, और अगर नहीं है तो गंगा जल लेकर उसमें भर दें, और भरने के बाद श्री कृष्ण को आप अगर अभिषेक करते हैं उस जल से, अगर श्री कृष्ण की आपके पास बाल गोपाल की मूर्ति है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप तस्वीर में भी कर सकते हो, आपकी भाव जो है वो अच्छे होने चाहिए, आप अगर ऐसा करते हैं उससे अभिषेक करवाते हैं जन्माष्टमी वाले दिन कृष्ण जी को दक्षिणावृति शंख से, तो आप यकीन मानिए लक्ष्मी से संबंधित हर तरह की समस्याएँ जो है वो दूर होती हैं, और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, आपके घर पर स्थायी रूप से निवास करती है। तीसरा उपाय, जन्माष्टमी के दिन अगर 12 बजे रात को आप केसर और दूध दोनों को अगर मिलाकर, कच्चा दूध होना चाहिए वो भी शुद्ध दूध गाय का, आप अगर लेकर आते हैं और गोपाल को अगर आप स्नान करवाते हैं 12 बजे, ठीक रात को ये काम करना है आपको, गोपाल जी को स्नान कराते हैं, चाहे वो आपकी तस्वीर हो या आपकी मूर्ति हो, इससे आपके घर पर सुख समृद्धि वैभव आती है। दूसरा उपाय बताने जा रही हूँ उसके बाद वाला, पूजा करते वक्त आप जब भी बाल गोपाल की पूजा करते हो जन्माष्टमी के दिन पे, उनकी जो मनपसंद चीज़ें हैं जैसे कि मोर पंख, गाय का दूध से बना हुआ कोई भी सामान जैसे खीर हो गया, पंचामृत हो गया, मिठाई हो गई, ये सारी चीज़ें अगर आप उनको अर्पित करते हैं, माखन मिश्री देना ना भूलें,
क्योंकि ये जो है उनका फेवरेट है, उनको ज़रूर खिलाएं और उनके सामने वो रखें बहुत सारे चॉकलेट्स कैडबरीज रखें, ताकि वो जो बाल गोपाल है वो तो बच्चे हैं, आपके अच्छे भाव से अगर ये चीज़ें आप रखते हैं तो वो जो है बहुत ज़्यादा अच्छा आशीर्वाद आपको देंगे, आपकी ज़िंदगी से सारी बाधाएं वो खत्म कर देंगे, सारे संघर्ष खत्म कर देंगे। आपके लिए एक और उपाय बताऊंगी, पीला चंदन और केसर को गुलाब जल से मिलाकर मोर का पंख का जो पीछे वाला हिस्सा होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ये, जैसे मान लीजिए कि ये मोर पंख है और इसका जो पीछे वाला हिस्सा है ना, इसको थोड़ा सा आप तोड़ लें, तोड़ कर इसको आप जो टीका जो आप बना रहे हैं पीला चंदन और केसर का, उसके अंदर डुबो दें और उस मोर पंख के जो टिप है ये वाला लास्ट वाला पोर्शन, इससे आपको टीका लगाना है। आप जानते हैं अगर ऐसा अगर आप करने लगे तो आप यकीन मानिए आपका जो सौभाग्य है वो बढ़ता है, आपकी लकीरें अगर ख़राब है तो वो सही हो जाती है, चाहे तो पूरे मस्तक पर आप लगा लें, आपका जो बदन में शीतलता प्रदान करती है वो आपके रोगों को दूर करती है, आपकी बीमारी को दूर करती है। इन सारी उपायों को करके आपको ज़िंदगी में ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और बाल गोपाल के बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिनका बच्चा नहीं हो रहा है, जो संतान प्राप्ति के लिए बहुत दिनों तक मतलब भगवान से प्रे कर रहे, वो चाह कर भी कोई उपाय नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए भी महा उपाय है, मैं ये बताऊँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, धन्यवाद। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे उपायों को करके ज़िंदगी में लाभ उठाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।